फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा द मीटर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने चार के मल्टीपल से प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है, मल्टीपल ऑफ 4 + 1। और हमारी डिज़ाइन 6 रोज में 6 सिलाइयों में बनकर कम्प्लीट हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 21 फंदे लिए हैं, 4 के मल्टीपल से 20 प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ राइट साइड से। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे फंदों को सीधा बुनते हुए अपनी इस फर्स्ट रॉ को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस सेकेंड रॉ को यानी कि दूसरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ तीसरी सिलाई राइट साइड से। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब हमने यहीं जो है 2 फंदे रिपीट करने हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से लास्ट में एक फंदा बचेगा हमारा स्टिच का है, तो राइट साइड से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी थर्ड रॉ तीसरी सिलाई राइट साइड से कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फोर्थ रॉ चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए, एक दो दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर से देखिए, एक दो दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए, एक दो दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा। दो फंदे स्लिप करेंगे, ये दोनों सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा। फिर से देखिए, दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। देखिए, दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। दो फंदे स्लिप करेंगे, सिलाई पर धागा इस तरह से लपेटेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से लास्ट में एक फंदा बचा है, तो इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। ऐसे ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी फोर्थ और चौथी सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे फिफ्थ रॉ पांचवी सिलाई राइट साइड से। देखिए कैसे करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। देखिए, 1 2 3 तीन फंदे स्लिप किया। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो 3 फंदे हमने स्लिप किए थे, इन 3 फंदों को इस वाले फंदे के ऊपर इस तरह से उतारेंगे। अब जो 3 फंदे हैं, इनको भी सिलाई से नहीं उतारेंगे, वापस से सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदों में से एक फंदा देखिए इस तरह से फिर से बुन लेंगे। और अब ये 3 फंदे हम सिलाई से उतार देंगे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहीं जो है 2 फंदे रिपीट करने हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे। ये देखिए, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे।
और जो तीन फंदे हमने स्लिप किए थे इस एक फंदे के ऊपर इस तरह से गिराएंगे। ये वाला फंदा जो तीन फंदे हैं इनको हमने सिलाई से नहीं उतारा है, अब वापस से इसमें सिलाई डालेंगे और एक बार फिर से बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, ये तीन फंदे इस तरह से इस वाले फंदे के ऊपर इस तरह से गिरा देंगे। अभी सिलाई से नहीं उतारा है, वापस से सिलाई डालेंगे तीन फंदों के अंदर और एक फंदा फिर से बुन लेंगे। ये देखिए अब सिलाई से उतार देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब ये तीन फंदे सिलाई से उतार देंगे और देखिए अभी इस सिलाई से तीन फंदे नहीं उतारे हैं, वापस से सिलाई डालेंगे फिर से बुन लेंगे ऐसे। अब ये तीन फंदे सिलाई से गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये तीन फंदे में देखिए इस तरह से सिलाई से गिरा देंगे, ये देखिए, और अभी सिलाई से नहीं गिराया है, देखिए अभी तीन फंदों को हम फिर से बुनेंगे, वापस से सिलाई डालेंगे और फिर से बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा। अब ये तीन फंदे इस एक फंदे के ऊपर से गिरा देंगे, देखिए ऐसे। अब इन तीन फंदों में वापस से सिलाई डालेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे सीधे स्लिप करेंगे, सॉरी, अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अभी तीन फंदे इस एक फंदे के ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से, देखिए। अब वापस से इन तीन फंदों में सिलाई डालेंगे ऐसे बिल्कुल, और एक बार फिर से बुनेंगे। ये तीन फंदे सिलाई से उतार देंगे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये तीन फंदे एक फंदे के ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से, देखिए। अब इन तीन फंदों में वापस से सिलाई डालेंगे और एक बार फिर से बुनेंगे इस तरह से। अब सिलाई से उतार देंगे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा। इन तीन फंदों को इस एक फंदे के ऊपर सिलाई से उतार देंगे। अब इन तीन फंदों में वापस सिलाई डालेंगे और तीन फंदों का फिर से देखिए एक फंदा बुन लेंगे। अब ये तीन फंदे सिलाई से उतार देंगे तो देखिए लास्ट में एक फंदा बचा है, स्टिच का है, राइट साइड से सीधा बना लेंगे। फ्रेंड्स हमारी फिफ्थ रो पांचवी सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे सिक्स रो छठवीं सिलाई, रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस सिक्स रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी सिक्स रो आज कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने यहीं छह सिलाइयाँ रिपीट करनी होती हैं। देखिए हमारी ये चोटी जैसी डिज़ाइन बनकर आई है, ब्रेडेड पैटर्न ये बनकर आया हुआ है, तो हम जब इन्हीं छह सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। इस डिज़ाइन को हम किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये चोटी जैसी डिज़ाइन है, ब्रेडेड पैटर्न, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।